अन्योंग नमस्ते हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हमारा पार्ट टू है वावल्स का। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सिंपल वावल्स का प्रोनंसिएशन कैसे होता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिप्थोंग्स, जो कि थोड़े से हार्ड हैं सिंपल वावल्स से, बट मैं इसको आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईजी बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला डिप्थोंग जो होता है वो होता है हमारे पास ए, और ये ऐसा दिखता है ए। इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि क्योंकि ये एक पतले से एच की तरह दिख रहा है, सो इसका प्रोनंसिएशन ए फॉर एच ए होना चाहिए, लाइक एनक एनक। रिमेंबर एनक नहीं है, एनक, जिस वे में आप एनक बोलते हो वैसे ही इसे बोलना है ए। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप डबल लाइनें कहीं देखते हो तो आपको वही लेटर य से स्टार्ट करना होता है। तो अगर मेरे पास ये ए है तो मेरे पास ये क्या होगा, ये, ये, तो ए बन जाता है ये विद डबल मात्रा, ये, लाइक यस। एंड रिमेम्बर इसको मैं येस नहीं बोलती हूँ, यस यस ये यस। नेक्स्ट लेटर है मेरे पास ये, बट इसको मैं ये नहीं बोलूंगी, इसे कहते हैं ए, ए, ए से नंबर एक, ए, ए। इसी ए में अगर मैं डालती हूँ एक और लाइन तो ये बन जाता है ये, ये, ये। अरे यार, ये आदमी कितना सनकी है, ये। नेक्स्ट लेटर है अ कॉम्बो ऑफ ओ और आ, और ये बनता है वा, वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला, वा, वा। नेक्स्ट लेटर है वे, 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 वे ओ। वैसे तो कोरियन थोड़ी डिफिकल्ट है, बट हांगल में बहुत इजी वे में बताऊंगी, वैसे। नेक्स्ट लेटर मेरे पास है, थोड़ा सा वे जैसा ही प्रोनंसिएशन है, ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर है, बट ये है मेरे पास वे, वे, वे। आजकल घर पे बहुत विल्ले हैं, वे, विल्ले, वे। नेक्स्ट लेटर है वो, वो, वो। वो से मुझे हिंदी में कुछ याद नहीं आ रहा, बट इंग्लिश में आप समझ सकते हो वॉम, वॉज। बिल्कुल भाई, हम इसे वाज नहीं कहते, हम इसे हमेशा वॉज कहते हैं। नेक्स्ट लेटर फिर से है वे, वे। एंड रिमेंबर ये इसी वे की तरह है, सेम प्रोनंसिएशन है, विले वाला प्रोनंसिएशन, बट दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन लेटर्स दोनों डिफरेंट है, वे। नेक्स्ट लेटर आता है वी, वी, लेटर वी, और हिंदी में बोले तो विनाश कर दूंगा, वी। लास्ट लेटर जो है कोरियन में उसे कहते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से उ की तरह, इसमें उ का साउंड है। अब जब उ कहते हो, मैंने आपको समझाने के लिए उ कहा था, इतना प्रेशर मत दो, जस्ट गो स्मूथली, उ, उ। लेकिन ये उ अ से बहुत अलग है। ये जो अब नया लेटर आ रहा है विच इज़ अ डिप्थोंग, लास्ट डिप्थोंग, इसको हम कहते हैं उई, उई। अगर आप सुन पा रहे हो ढंग से तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है उ और ई का, उ, ई, उ, ई, उई, उई। कोरियन में मैं इसका वर्ड बता सकती हूँ, हिंदी में नहीं है। कोरियन में वर्ड होता है उइसा, 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 और आइसा में बहुत डिफरेंस है। सो ये आइसा कभी नहीं होगा, इट विल बी उइसा, उ, उइसा। तो चलिए रिविजन करते हैं, ए, ये, ए, ये, वा, वे, वे, वो, वे, वी, उई। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा प्रोनंसिएशन। इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ आया। सारे के सारे लेटर्स बहुत ही इजी वे में मैंने समझाए हैं हिंदी वर्ड्स लेके। सो इसे फिर से देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पक्का क्वेश्चन डालिएगा, आई विल आंसर एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो पक्का से मुझे सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कॉन्सोनेंट्स।
सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अन्योंग, बाय बाय।